मेरा जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। प्रधानमंत्री मोदी आज महोबा और वाराणसी के दौरे पर, महोबा में किसान रैली को करेंगे संबोधित। सपा के लिए अहम होगा आज का दिन, सपा कार्यालय पर 10 बजे होगी अहम बैठक। समाजवादी पार्टी से निकाले गए रामगोपाल यादव, मुलायम ने किया पार्टी से बाहर। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश के विरोधियों पर साधा निशाना। सपा से निष्कासन के बाद रामगोपाल ने लिखा एक और खत, खत में लिखा कि राक्षसी शक्तियों से घिरे हैं मुलायम सिंह। रामगोपाल पर शिवपाल का बड़ा हमला, कहा बीजेपी से मिले हुए हैं रामगोपाल। मुलायम कैंप से आशु मलिक ने रामगोपाल का नाम लिए बिना कहा, चिट्ठी लिखने वालों ने बीजेपी से मिलकर पार्टी तोड़ने की साजिश रची। सीएम अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, शिवपाल यादव समेत 6 मंत्री किए गए बर्खास्त। मंत्रिपद से बर्खास्त किए बाद शिवपाल ने रामगोपाल का नाम लिए बिना कहा, एक बड़े नेता ने सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी से मिलीभगत की है। शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे बर्खास्तगी की चिंता नहीं, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश ने अमर सिंह को कहा दलाल, बोले जो भी अमर सिंह के साथ है उसे हटाया जाएगा। अमर सिंह की करीबी जयप्रदा को भी अखिलेश ने हटाया। अखिलेश पर बोले सभा सुप्रीमो मुलायम सिंह, कहा जो बाप का नहीं हुआ वो बात का क्या होगा। सीएम अखिलेश ने पार्टी तोड़ने की अटकलों को किया खारिज, कहा पार्टी में ही रहूंगा, पार्टी तोड़ने की बात है गलत। मीटिंग में सीएम अखिलेश यादव ने बेहद ही भावुक भाषण दिया, उन्होंने कहा नेताजी पिता है, उनकी सेवा हमेशा करूंगा। सीएम के बयान पर कई नेताओं की आंखें। अमर सिंह पर आजम खान ने कहा कि हम काफी दिनों से महसूस कर रहे थे कि एक शख्स से एक दिन पार्टी का नुकसान होगा। सभा में जारी कोहराम पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश सरकार आत्मक में है, मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना चाहिए। समाजवादी की कलह पर बोले बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, कहा कभी भी गिर सकती है सपा सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी के परिवार का यह झगड़ा प्रदेश के 21 करोड़ जनता को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। दिल्ली में बच्चों की पेंटिंग प्रदर्शनी में समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी ने की शिरकत। पेंटिंग प्रदर्शनी में उमेश कुमार के बेटे दक्ष ने भी बनाई पेंटिंग। अभिव्यक्ति अकादमी ने किया प्रदर्शनी का आयोजन। रविवार को मोहाली वनडे में कोहली और धोनी ने दिखाया जलवा, भारत ने न्यूजीलैंड के 7 विकेट से अब न्यूजीलैंड को दी मात। पीएम आज वाराणसी में भदोही की 61 वर्षीय महिला प्रधान को प्रशस्ति पत्र देकर करेंगे सम्मानित। जलौन में न्यायिक को तरसती रेत पीड़िता, पीड़िता के मुताबिक 3 मई को दरोगा समेत 4 लोगों ने उसके साथ किया बलात्कार, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।